अस्सलाम वालेकुम ढकैया भाइयों, ढाका का कुछ बात है जो हम 100 साल पहले से अपना बाप माँ के साथ कहते रहे। ये दो रकम बात है, एक है ढकैया सुब्बासी, दूसरा है ढकैया कुट्टी। अब सबसे ये गुजारिश है कि ढकैया कुट्टी और ढकैया सुब्बासी हमो अपना अपना भाषा, अपना अपना जवान हर वक्त इंशाअल्लाह ताला कायम रखना ज़रूरी है। देखिए बहुत पुराना ढकैया उन्होंने है, ढकैया सुब्बासी जबान में अभी भी बातचीत करते हैं। इससे अपना इज्जत कमने का कोई बात नहीं, बल्कि देखिए अपना इज्जत बनने वाला है। ऐसा मौका बहुत ढकैया है, लंदन में है, पेरिस में है, जर्मन में है, कनाडा में है, ये सब बहुत ढकैया से हमों से जोगाजोग है, बातचीत भी होता है। जैसा कनाडा में है टोरंटो में यूसुफ रोनी भाई, बेचारम देवरी का तारा मस्जिद के साथ उन लोग का बाड़ी था। इसके बाद ये था माहौटोली में नज़ीरुद्दीन नज़ीर भाई, वो भी हमों का खास ढकैया है। ढकैया उन लोगों के लिए इतना काम कर रहे जो क्या कहेंगे आप लोग को। आप लोग तो कम से कम उन लोग का काम को देख के भी कम से कम ढकैया भाषा को चालू रखने का कोशिश करना चाहिए। लालबाग में हमों का हमीदुर रहमान भाई है, लंदन में जावेद हसन भाई है, ख्वाजा जावेद। हम सब कोई क्या मांगते, हमों का ये भाषा तो जैसा विलुप्त तो ना हो। देखिए एक दिन आप रहेंगे नहीं, हम भी रहेंगे नहीं, हमों का ये भाषा रहना चाहिए। हम जैसा देख रहे हैं जो अपना सबको आज अपना फैमिली में ये भाषा में बात करना प्राय छोड़ देने के लिए मांगता, काय सोचता कि ये भाषा से बात करने से हमों का इज्जत कम जाएगा। असल में क्या ये बात सच है? सच तो ये है कभी भी अपना इज्जत कमने वाला नहीं है, अपना इज्जत बनने वाला है। काय हम जो ढकैया है, देखिए आप जिनों कुट्टी भाषा में बात करता इन सब टाइम में अपना भाई बहन अपना बेगाना का साथ महल्ला बासी का साथ कुट्टी भाषा में ही बात करता। कभी भी इसको ये बात करके कभी भी कोई शर्मिंदा होता नहीं। तो हम सुब्बासी में बात करके कई के लिए शर्मिंदा होंगे, कहिए ये भाषा को बचाना होगा। आइए आप मैं हम सब ढकैया उन्होंने मिल के ये दोनों भाषा को, सुब्बासी और कुट्टी दोनों भाषा को बचा के रखने के लिए अपना अपना परिवार में, अपना अपना फैमिली में ये भाषा को कायम रखते। देखिएगा आज मैं, कल आप भी किसी से अर्जी करिएगा, आप मैं आज मैं मेरा अपना बेगाना से, मेरा ढकैया भाइयों से ढकैया भाषा में बात कर रहे, कल आप भी करिएगा। आपका देख के दूसरा लोग भी सीखेगा, मेरा देख के भी दूसरा लोग सीखेगा, तो एक टाइम में देखिएगा ये भाषा इंशाअल्लाह ताला विलुप्त होगा नहीं। हम क्या मांगते, क्यामत तक हमोगा ये भाषा भी रहे? काहे हमो तो अपना माँ का जन्म के बाद, माँ का पेट से दुनिया में आने का बाद है, मेरा बाप माँ को तो हम ये भाषा में बात कहने में देखा कहिए, फिर हम कई के लिए भाषा कहने के लिए शर्मिंदा होंगे। शर्मिंदा होने का तो कोई बात नहीं भाई, कहे तो कोई खराब बात नहीं, ये तो कोई दूसरा राष्ट्र का भाषा नहीं भाई। हमों का बाप दादा ने ये भाषा में बात किस, उनका बाप दादा ने किस, आप सोचिए हमें भाषा कहाँ पाया। मेरा बाप माँ ने ये भाषा में बात करी से ढकैया सुब्बासी जबान में तो मैं पाया, मेरा दादा ने, दादी ने बात करी तो मेरा बाप ने पाई, मेरा दादा का दादा परदादा लोग ने जबान में बात करी से बोल के उन्होंने भी पाई। तो ये तो कोई हौलत करो हुआ भाषा नहीं भाई, कहिए ये तो अपना भाषा में हम बात करेंगे, फिर किसी से काय डरने नहीं, कहिए। तो इंशाल्लाह हम इरादा रखते हैं मेरा ये वीडियो आप लोग तक पहुँचे, सुनिए और सोचिए हमों का क्या करना चाहिए। तो हम अगर कुछ अच्छा करने मांगते तो इंशाल्लाह अच्छा हो सकता,
अगर अच्छा ना करने मांगेंगे तो कैसे अच्छा होगा कहिए। अच्छा करने के लिए तो कोशिश भी करना है, और कोशिश करने से तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह कर देगा हम लोगों को। ये बात रहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ भी जो ढकैया उनो है अच्छा रहिए। मेरा दुआ है आप उनों का साथ, आप उनों भी मेरे के लिए दुआ कीजिएगा, और हम जिन ढकैया संगठन के लिए काम कर रहे हैं सबके लिए हम सबको दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।